भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर, तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निसहायक और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वो अपने पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा का नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे, प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा।